वेलकम टू योर एकेडमी मुनिलाल सर। क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैंपियन वुमेन का नेक्स्ट पार्ट, जिसका टॉपिक है दीपा कर्मकार। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपना अपना डिवाइस लेकर के और अपनी कॉपी किताब के साथ साथ पेन पेपर भी रखेंगे डिफिकल्ट वर्ड को नोट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है? चलिए, दीपा कर्मकार जिम्नास्ट। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं चैंपियन वुमेन। दीपा कर्मकार, यह कौन है? तो यह जिम्नास्ट है, ठीक है? जिम्नास्ट। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी करना कोई ऑनलाइन आएगा तो जिम्नास्ट क्या होता है आपको पता है? जिम्नास्ट एक तरह का खेल है जो शरीर की अलग अलग अवस्थाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, एक तरह का कसरत आप कहो। तो आप टीवी पर भी देखते हो, क्लास ए और सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश, और क्या है आज 18 जनवरी 18। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, दीपा कर्मकार जिम्नास्ट। सर, कर्मकार में एक होगी। अच्छा, दीपा कर्मकार इज एन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 2016 समर ओलंपिक्स। देखो, दीपा कर्मकार कहता एक आर्टिस्टिक जिम्नास्ट है, यानी कलाबाजी दिखाने वाली जिम्नास्ट है, जिसने भारत का नेतृत्व किया था या प्रतिनिधित्व किया था तब, अब ये 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, समर ओलंपिक में, ठीक है, 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उस ओलंपिक में इसने क्या किया था? भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। सी इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट एवर टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स। सी इज द फर्स्ट जिम्नास्ट, यानी वह भारत की पहली फीमेल जिम्नास्ट थी जिसने ओलंपिक में क्या की थी? कंपीट की थी, यानी ओलंपिक में प्रतियोगिता जीती थी। सी अटेंड फोर्थ पोजिशन इन वुमेन्स वॉल्ट जिम्नास्टिक्स इवेंट ऑफ रियो ओलंपिक्स 2016 with an overall score of 15.066। देखो क्या कहा, भारत की वह पहली जिम्नास्ट थी जिसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, कब किया था? 2016। हाँ, 2016 में, और यह खेल हुआ था रियो नामक जगह पर, ठीक है। 15.066 स्कोर रहा था उसका, यानी कुल मिलाकर उसने इतने स्कोर लाए थे, अंक लाए थे।
She won a bronze medal at the 2014 Commonwealth. और 2014 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उस गेम में कॉमनवेल्थ गेम में उसने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था। ब्रॉन्ज कहते हैं कांस्य को, कांसा का बर्तन आप जानते हो ना, तो उसी को ब्रॉन्ज कहा जाता है। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य। गेम्स इन ग्लासगो बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट to do so in the history of the games. अब कहता है ग्लासगो में जो खेल कूद हुआ था तो उसमें कहता है ये फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जिसने क्या किया था, पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किया था ग्लासगो नामक शहर में। ग्लासगो एक बड़ा शहर है ये वेस्टर्न कंट्री का, ठीक है। कंट्री एग्जैक्टली कौन सा है, ग्लासगो किस शहर में, आप लोग देख के बताना भाई मैप पर या गूगल पे सर्च मारोगे निकल जाएगा। शी वॉन ए गोल्ड मेडल इन द वॉल्ट इवेंट ऑफ FIG आर्टिस्टिक हिस्ट्री आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप एट मर्सिन टर्की इन जुलाई 2018। अब कहता है अगला मेडल जो उसको मिला था वह गोल्ड मेडल मिला था इसमें इन द वॉल्ट इवेंट। वॉल्ट एक तरह का खेल है, एक लंबा सा बांस लेकर के और उसको कहीं टिका करके और एकदम छलांग मार देता है, ठीक है, वही है वॉल्ट, ठीक है। तो FIG आर्टिस्टिक जिमनास्ट वर्ल्ड चैलेंज कप मर्सी, ये नाम है उस कप का जो कि टर्की में हुआ था, ठीक है, जुलाई 2018 में। टर्की एक देश है। अब चलते हैं, कर्मकार इज वन ऑफ द ओनली 5 वुमेन हु हैव सक्सेसफुली लैंडेड द प्रो डूनोवा विच इज रिगार्डेड एज द मोस्ट डिफिकल्ट वॉल्ट करेंटली परफॉर्म्ड इन वुमेन्स जिमनास्टिक। अब कहता है कर्मकार जो है वह 5 ऐसी महिलाओं में से एक है जो सक्सेसफुली जिसने क्या किया, लैंडेड द प्रोडोनोवा। प्रोडोनोवा आपको पीछे देखिए एक्सप्लेन किया होगा, एक तरह का वॉल्ट का ही रूप है। वन टाइप ऑफ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वॉल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्रंट हैंड स्प्रिंग ऑन टू द वॉल्टिंग हॉर्स। भाई एक तरह का खेल है जिमनास्टिक से ही रिलेटेड, अब बिना देखे समझ में नहीं आएगा ये कैसा होता है। तो 5 महिलाओं में से कहता है ये पहली, ये में से एक महिला थी, भारत की मात्र एक महिला जिसने प्रोडोनोवा वाला करतब जो है दिखाया था, विच इज रिगार्डेड एज द मोस्ट डिफिकल्ट वॉल्ट। और कहता है यह सबसे कठिन वॉल्ट माना जाता है करेंटली परफॉर्म इन वुमेन्स जिमनास्टिक, और फिलहाल यह जो है परफॉर्म किया जाता है महिलाओं के द्वारा, यानी जो महिलाएं जिमनास्टिक करती है उन्हीं के द्वारा यह दिखाया जाता है, पुरुष नहीं करते हैं। शी ऑल्सो वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन जिमनास्टिक्स। अब कहता है एशियन जिमनास्टिक्स में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, फिर एक बार कांस्य पदक जीता। अब देखिए फिर आगे क्या क्या जीता, ये सब खाली दिया हुआ है इसमें। एशियन जिमनास्टिक चैंपियनशिप एंड फिनिश्ड 5th एट द 2015 वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स चैंपियनशिप बोथ फर्स्ट फॉर हर कंट्री, यानी दोनों जो है देश के लिए पहली बार हुआ था। एशियन जिमनास्टिक में उसने चैंपियनशिप जीता और फिर 2015 में वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप जीता, बोथ मतलब दोनों फॉर हर कंट्री अपने देश के लिए। फॉर हर
commendable performance in Rio Olympics 2016, the Government of India conferred upon her the Khel Ratna Award in August 2016. अब कहता है उसका जो commendable performance है, commendable मतलब प्रशंसनीय, उल्लेखनीय, ठीक है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, ठीक है। commendable एक वर्ड आप लोग लिख सकते हो, और भी जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड इसमें आया मैं बोलता ही गया था आपको, ठीक है। commendable इसको लिखिए, प्रशंसनीय, या उल्लेखनीय जो कहिए, सराहनीय उसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, पूछिए आप सर। वुमेन को सर का वर्ड भी अलग रहता है सर। हाँ, आप क्या वुमेन नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दीपा मलिक के बारे में, फिर है देख लीजिए। ये पता चल गया 2016 में रियो में जो उन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था तो उसका परफॉर्मेंस कैसा था, कमेंडेबल परफॉर्मेंस था, अच्छा प्रदर्शन था, और भारत सरकार ने उसको क्या दिया, खेल रत्न पुरस्कार, याद रखना खेल रत्न अवार्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी एक प्लेयर है दीपा मलिक, ठीक है, शॉर्ट पुट थ्रोअर है, शॉर्ट पुट फेंकने वाली है ये दीपा मलिक, ठीक है। तो नेक्स्ट प्लेयर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो दोनों के नाम में दीपा लगा हुआ था ना, इसका नाम में भी दीपा था तो दीपा, दीपा था सर। हाँ इसमें दीप है सर, दीप। दीपा मलिक ही है, ठीक। दीपा मलिक इज एन इंडियन एथलीट फ्रॉम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। देख लो हरियाणा में एक जिला है सोनीपत, और सोनीपत जिला से बिलोंग करती है दीपा मलिक, जो भारतीय एथलीट है यानी खिलाड़ी, खिलाड़ी प्लेयर। अब देखो नेक्स्ट, दीपा यूज्ड टू गेट पैरालाइटिक शॉक्स सिंस शी वाज ओनली 8 years old। 8 साल की उम्र में उसको पक्षाघात हो गया था, पैरालाइटिक हो गया था उसे, यानी अंग उसका जो है काम नहीं कर रहा था, कोई अंग उसको कहते हैं पैरालिसिस, जिसको लकवा भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। दैट डिडंट मेक एनी डिफरेंस इन हर लाइफ, कहता इससे उसके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी इस पैरालिटिक से उसके जीवन में कोई अंतर नहीं आया। एट द एज ऑफ 26 सी वॉज diagnosed with spinal tumor and had gone through a life threatening surgery. 26 साल की जब हो गई तो पता चला कि उसका स्पिनल ट्यूमर है, यानी स्पिनल कोर्ड जो पीछे रहता है मेरुदंड, उसमें कहीं ना कहीं एक ट्यूमर बन गया है, गांठ सा बन गया है, और लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी होनी थी उसकी, यानी ऐसा सर्जरी, ऐसा ऑपरेशन होना था जिसमें जान जाने का भी खतरा था। She was asked whether to choose paralysis or death. डॉक्टर ने कहा भाई आप पैरालिसिस और डेथ में से एक को चुन लो, यानी मौत या पैरालिसिस दोनों में से एक चुनना है। तो देखो फिर क्या होता है, Hmm.
After the spinal tumor was detected and she chose life, और उसने जीवन को चुना. Since then she is paralyzed from waist to bottom. यानी ऑपरेशन नहीं कराया उसने और तभी से वह वेस्ट टू बॉटम यानी कमर से नीचे तक वह पैरालिटिक ही है, लकवाग्रस्त है. समझ पा रहे हो? Yes, sir. नहीं कराया ऑपरेशन. ऑपरेशन ने क्यों नहीं कराया पता चला? हाँ, उसमें लाइफ थ्रेटनिंग वो सर्जरी था. हाँ, जान का खतरा था. चूंकि स्पिनल कोर्ड को फाड़ना चीरना बहुत मुश्किल है, कोई भी सारी नसें शरीर की वहीं से जुड़ती हैं, तो कोई भी नस जरा सा भी कट गया तो खेल खत्म हो जाएगा. तो इसलिए बोला डॉक्टर ने कि भाई लाइफ ये डेथ और पैरालिसिस में से एक को चुनना है आपको. तो दीपा वाज वॉन टोटल 13 इंटरनेशनल. दीपा ने कुल मिलाकर के कहता है 13 इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय मेडल्स जीता है, 47 नेशनल गोल्ड मेडल्स और 47 जो है राष्ट्रीय गोल्ड मेडल्स जीता है, 5 नेशनल एंड स्टेट लेवल और 5 जो है नेशनल और स्टेट लेवल का सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल इन हर लाइफ अलोंग विथ इननुमरेबल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स फील्ड. और कहता है अपनी जिंदगी में इननुमरेबल रिकॉग्निशन यानी अनगिनत प्रसिद्धि मिली उसको, अवार्ड्स मिले अलग अलग खेलों में. सी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक. दिखा देखो एक ओलंपिक होता है ना, ये पैरालंपिक लिखने का मतलब हुआ कि केवल वही लोग उसमें भाग लेता था जो पैरालिटिक है, जो लकवाग्रस्त है. ठीक है, तो उसमें उन्होंने मेडल जीता था एंड वॉन ए सिल्वर मेडल एट द 2016 समर पैरालंपिक इन द शॉर्ट पुट. और शॉर्ट पुट में 2016 का जो समर ओलंपिक था उसमें क्या जीता उसने, कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल. ठीक है, शॉर्ट फुट क्या है? शॉर्ट फुट एक बड़ा सा गोला होता है, उसको फेंकना पड़ता है. आप लोग पहले भी नहीं है. हाँ, वही शॉर्ट फुट थ्रो उसको कहा जाता है. सी वाज ऑनर्ड विथ द अर्जुना अवार्ड इन 2012 एट द एज ऑफ 42 इयर्स. और 2012 में उसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था जब वह 42 साल की हो गई था. अदर देन द एबव मेंशन्ड प्लेयर्स देयर आर सम अदर प्लेयर्स हु हैव मेड अ मार्क इन इंडिविजुअल डबल्स स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक तानिया सचदेव इन चेस, अंजलि भागवत इन शूटिंग, जोना क्या है जोसना चिनप्पा इन स्क्वैश, हीना सिंधु इन शूटिंग, ललिता बाबर इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. ये कुछ अदर प्लेयर्स के नाम हैं जिसने खेल जगत में नाम कमाया है. देयर आर मेनी अदर स्पोर्ट्स वुमेन हु हैव एक्सेल्ड इन टीम स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, हॉकी एंड कबड्डी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. और कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिसने क्या किया है, एक्सेल्ड. एक्सेल करना मतलब श्रेष्ठ प्रदर्शन करना. कौन सा खेल में? टीम स्पोर्ट्स, जो खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है उसको टीम स्पोर्ट्स बोलते हैं. जैसे क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, ये क्या है? टीम स्पोर्ट्स है. ठीक है, उसके बाद देखिए मिताली राज the captain of Indian cricket team holds the world record for scoring maximum runs in an test innings and only the second person in cricket history to make more than 5000 runs in ODI. तब मिताली राज जो है या कैप्टन है महिला क्रिकेट, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की, और कहता है उसके नाम से रिकॉर्ड है क्या कि मैक्सिमम सबसे अधिक रन बनाने वाली वह खिलाड़ी है टेस्ट मैच के इनिंग्स में.
एंड ओनली द सेकेंड पर्सन इन क्रिकेट हिस्ट्री और क्रिकेट के इतिहास में दूसरा स्थान है उसका टू मेक मोर देन 5000 रन्स इन ओडीआई, एक दिवसीय क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाली जो है वह दूसरी खिलाड़ी है। वन डे इंटरनेशनल, ठीक है। सुशीला चानू इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी, देख लो ये हॉकी की इंडियन कैप्टन है सुशीला चानू, हु लेड द टीम इन रियो ओलंपिक, इसने रियो ओलंपिक में जो है देश का नेतृत्व किया था। अदिति चौहान फ्रॉम दिल्ली इज द गोलकीपर ऑफ इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर टू प्ले फॉर एन इंग्लिश क्लब। अब जो अदिति चौहान है यह दिल्ली से बिलोंग करती है और यह कौन है, गोलकीपर है इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम की और फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो फुटबॉलर है और इसने इंग्लिश क्लब, एक खेल है खेल खेलाने वाली संस्था होती है क्लब, तो उसमें पहली बार जो पहला पहली वुमेन है जिसने वहां पर खेला था भाग लिया, अदिति चौहान। देयर आर मेनी स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम झारखंड ऑल्सो हु हैव एक्सेल्ड इन देयर स्पोर्ट्स, कहता है बहुत सारी महिलाएं झारखंड से भी बिलोंग करती हैं जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है खेल कूद में। अब कुछ झारखंड के प्लेयर्स का नाम याद रखना, आपको पूछा जा सकता है, पूर्णिमा महतो एंड दीपिका कुमारी, ठीक है, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन। कहता है पहले ये जो पूर्णिमा महतो है ये नंबर वन खिलाड़ी है और कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन है, दोनों आर द एक्स एक उसको पढ़ोगे एक आर्चर्स हु हैव वॉन मेनी मेडल्स फॉर द कंट्री। ये कहता है श्रेष्ठ टॉप धनुर्धर है आर्चर, धनुष चलाने वाली और इसने मेडल्स जीता है देश के लिए, किसने, पूर्णिमा महतो दीपिका कुमारी, एक मतलब श्रेष्ठ हुआ, एक्सीलेंट, हाँ टॉप। प्रेम लता अग्रवाल इज द फेमस माउंटेनियर फ्रॉम झारखंड, ये झारखंड से हैं प्रेम लता अग्रवाल, ये माउंटेनियर है पर्वतारोही। हाँ हॉकी प्लेयर्स फ्रॉम झारखंड लाइक क्या नाम है, सुमराई टेटे, ठीक है, हाँ सुमराई नाम है टेटे, ये जो है झारखंड की प्लेयर है, हॉकी प्लेयर है। और निक्की प्रधान ये भी हॉकी प्लेयर है, कांति बा और मसीरा सुरीन ये सभी हॉकी प्लेयर्स हैं झारखंड की, हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इंटरनेशनल इन इंटरनेशनल चैंपियनशिप एंड आर इंस्पायरिंग ए लॉट ऑफ यंगस्टर्स। तथा इसने भारत का नेतृत्व किया है अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में और बहुत सारे यंगस्टर को प्रेरित किया है, इंस्पायर करना मतलब प्रेरित करना। इसमें सर एक पेज कम दिया है, सर एक पेज बेसी दिया है, नहीं हो गया कंप्लीट, इसमें सर पुराना हो रहा है, रहने दो न्यू बुक देंगे मैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। हाँ सर कहे क्लास में।